हेलो महान लोगों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बस व्यस्त हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे, अपने ख्याल का भी ख्याल रखे होंगे। उसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो माई डियर, आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्यूजडे के दिन कि क्या होना है वेडनेसडे के दिन। तो जाहिर सी बात है, कल बैंक निफ्टी की आपको एक्सपायरी देखने को मिल रही है, वहीं आज बैंक निफ्टी जो है क्या करी, कल क्या करने वाली है, निफ्टी आज क्या करी कल क्या करने वाली है, उसको लेकर के आज हम लोग बातचीत करेंगे। अगर किसी ने इससे प्रीवियस वाला मेरा मंडे वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आप लोगों को एक लेवल सजेस्ट किया था। मैंने कहा था कि इसको अगर आप एजुकेशनली पर्पस से लगातार पेपर ट्रेड करके देखेंगे तो यही वाला लेवल आपके पूरे वीक बहुत बेहतर काम करने वाला है। तो जितने हमारे व्यूवर्स ने उस चीज़ को देखा होगा, नो डाउट उसका एडवांटेज उनको मिला होगा। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर कर रहे हैं, आज का लेवल चीज़ों को बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे और समझते चलिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी 16 तारीख को ओपन हो रही है और 16 तारीख को आपने देखा कि मार्केट में उसने आपको एक अच्छा यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम दिया, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज रह गई, फिर मार्केट ने एक तरीके का यहां पर आपको दिखाया कि वो ब्रेक करने वाली है, लेकिन फिर अचानक से उसको उतनी ही बड़ी कैंडल ने रिजेक्शन भी दे दिया, फिर मार्केट ने कुछ देर तक अपने आप को साइडवेज बनाया, फिर मार्केट आपको एक नेगेटिव ट्रेंड करते हुए दिखी और फिर पूरे दिन मार्केट एक साइडवेज में चली गई। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो इससे पहले का अगर आपने हमारा लेवल देखा होगा तो एकदम एग्जैक्ट उसी लेवल पर ये परफॉर्म करते हुए दिखाई दी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसमें हिंट आउट भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप इस चीज को देखते हुए चलिए। देखिए मार्केट 48,075, ठीक, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट 48,050 से रेंज में रहेगी 0.80, ठीक है, यहां तक आई होप सभी लोगों ने इस चीज को देखा होगा। तो इसको आप रेजिस्टेंस में ना और सपोर्ट में ध्यान रखिएगा, जो लोग नए हैं उस चीज को समझिएगा कि अगर ऊपर से मार्केट आ रही है तो यहां से सपोर्ट लेगी और नीचे से अगर आ रही है तो यहां पर इसको रेजिस्टेंस लेगी, ठीक है, और अगर मार्केट इसके नीचे निकल गई है तो रिवर्सल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप सभी लोगों को बनाना आता है। जितने लोगों को रिवर्सल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं आता मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ लेवल डिस्कस करना है तो इसलिए वीडियो लंबी ना हो माय डियर, तो इसलिए हम जो है आज सिर्फ लेवल की बात कर रहे हैं। इसके टर्म्स से जुड़े हुए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि स्टॉप लॉस कैसे बनता है, टारगेट कैसे बनता है, ट्रेंड लाइन कैसे खींची जाती है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे खींचा जाता है, इसके रिगार्ड्स मैं हमेशा अपने चैनल पर अपने इस पे बता देता हूं, लेकिन जिनको इससे एडवांस लेवल पर प्राइस एक्शन से जुड़ी हुई कोई चीज सीखनी है तो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए समय निकाल करके उसको बना दूंगा, ठीक है। तो पहला आपने देखा कि 48,050 से लेकर 48,080, ठीक, अब मार्केट कहां से चलनी शुरू हुई और मार्केट ने क्या किया इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए भैया, मार्केट ने 48,050 से अपना स्टार्ट किया दुनिया, ठीक है, ये देखिए जहां से उसको रिजेक्शन मिला और इसने 1-2 और ये पूरी सुबह सुबह देखिए यहां तक गई 48,250। आप सबको पता है मैंने इससे पहले आपको लेवल दिया था 48,250 को रिस्पेक्ट करेगी और एक बैंड रेजिस्टेंस में चलेगी। बैंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि 48,250 से चलेगी और 300 इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस ऊपर है। कल भी मार्केट ने सेम ऐसा ही किया था, कल भी अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में मंडे में आपने देखा होगा कि अंतिम में 3:20-22 पर मार्केट में वो ऑपरेटर्स की कॉल थी, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन हुआ क्या कि अचानक से वहां पर 150 अंक का मूव आया और मार्केट को वो 250 तक लेकर के गए, ठीक है। अगर आप कल का देखेंगे मार्केट तो ये मार्केट आपको ये 16 तारीख की मार्केट है तो ये 15 तारीख की मार्केट है, ठीक है, 15 तारीख की मार्केट देखिए 250 तक यहां से सीधा 250 तक लेके गए, वो भी 3:25-22 पर, ठीक है, तो ये ऑपरेटर की कॉल्स थी। तो यहां पर आपने देखा कि 300 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर 300 के ऊपर ये मार्केट निकलती है कल की डेट में गैप डाउन गैप अप आपको इस चीज को लेकर के बताएगा कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहां से सीरियस टॉक करना शुरू करिए, यहां से सिर्फ हम लोग लेवल्स पे ही डिस्कशन करेंगे, उसके अलावा मैं आप लोगों को यहां पर सजेशन मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है, इज इट फाइन। चलिए देखिए,
अब हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। देखिए ये भाई कल की मार्केट थी, इसको हटा देते हैं। 16 तारीख आपको यहाँ पर एक मिला 48,050 से 80 तक, ठीक है। जब ये 80 से 110 के क्रॉस कर रही है तो 110 के ऊपर आप अपना ट्रेड लेने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 110 से 250 तक, ठीक है। 250 से फिर आपको पता है 250 से लेकर 300 के बीच बैंड रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, मतलब यहां से आप अपने आप को 100 अंक की मूव है आराम से, आप यहां से 250 अंक तक देख सकते हैं। 250 के बाद 300 के बीच में उसको एक बैंड रेजिस्टेंस मिल रहा है, आप यहां पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। या तो अपने आप को पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए। स्टॉप लॉस ट्रेल का मतलब कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है वैसे वैसे आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते हुए जाइए, जिससे आपका प्रॉफिट जहां तक रहेगा वहां तक फिर मार्केट आपको बाहर कर देगी, ठीक है। अगर ये 350 का फिर उसके बाद यहां से 300 क्रॉस करती है, और 350 का फिर से अगर ये क्रॉस करती है, 15 मिनट की बुलिश कैंडल, मैंने आप सबको बताया हुआ है कि 15 मिनट की बुलिश कैंडल अगर फिर से तोड़ती है, और RSI का ध्यान दीजिएगा कि RSI वहां पर जो है लगभग 55 से लेकर 62 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। RSI का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और 15 मिनट की कैंडल पर ही चीजों को समझिएगा। तो 350 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 550, अगर 550 को तोड़ती है तो 700, 700 को तोड़ती है तो 820। इज इट फाइन, ये आपका लेवल हो गया कल के लिए, ठीक है। एक्सपायरी है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि एक्सपायरी की ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है। होल्डिंग पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है, जब ट्रेड मिले तो एंट्री करनी है। ट्रेड की टाइमिंग पर भी ध्यान दीजिएगा, अगर अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हैं तो 9:20 से लेकर के 9:30 से लेकर 9:45 तक या 9:55 तक की आपकी ट्रेड अच्छी है, इतने के भीतर ही कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी आपका सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट को लेकर के लोगों का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्टेबल होता है, तो यहाँ पर ही आपको ट्रेड करने का एक अच्छा ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। अगर इससे मार्केट गैप डाउन में आपको बात समझ में आती है, अगर मार्केट निगेटिवली ट्रेंड करती है तो 0.50 से 0.80 इसके लिए एक अच्छा नीचे से रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ऊपर से हम बात करें तो सपोर्ट है, ये सब आप सभी लोग जानते ही हैं। तो 0.80 से जैसे ही ये जाएगी तो देखिए भैया 900, 900 तक तो आपको किसी प्रकार से ट्रेड करना ही नहीं है। 47,900, 47,900 से टूटती है तो 47,720, ठीक है। इससे नीचे जाती है तो 47,550, इससे नीचे जाती है तो 47,400, इससे नीचे जाती है तो ये मान के चलिए 47,250, ठीक है। यहां पर इस चीज को यहां तक तो ट्रेड के बारे में भी सोचना ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे का आपको सिनेरियो दे तो ये मान के चलिए कि 47,900 से नीचे 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, आपको आपको ब्रेक डाउन के बारे में समझा रही हो, 15 मिनट की कैंडल हो। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि RSI जो है वो लगभग 50 से कम हो, और अगर 42 है 45 है तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 50 से नीचे RSI होनी चाहिए, 52-55 से नीचे RSI होनी चाहिए, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा है। फिर 47,720 पे आप अपना एक बार सपोर्ट देख लीजिए, फिर 47,550 पे देख लीजिए, फिर 47,400 देख लीजिए, फिर 47,250 देख लीजिए। उसके नीचे इस वक्त की कोई लेवल अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मार्केट है वो 47,200 से लेके 48,800 के फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। तो 100-200 अंक का भी अगर आपको मूवमेंट मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बार माय डियर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हमेशा कहूंगा कि एक्सपायरी की ट्रेड अलग होती है, तो अगर आप लोग कहेंगे कि एक्सपायरी को लेकर के भी सजेशन देना, तो मैंने आप लोग को एक्सपायरी के लिए सजेशन दे दिया है कि तीन तरीके के एक्सपायरी को अपने अलग अलग भाग में ट्रेड करिए। ये लेवल्स लेने से आपका काम नहीं है, डिसीजन मेकिंग पार एंट्री और एग्जिट का, आपका सही क्वांटिटी में आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनाना, किस समय पर आपको एंट्री करनी है, किस समय पर एग्जिट करना, उसका एक राइट डिसीजन होना, स्टॉप लॉस को सही तरीके से लगाना, साथ ही साथ स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, ठीक है।
ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको ट्रेड करते समय। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मेंटल बैलेंस, ठीक है ना, आपकी साइकोलॉजी व्हाइल यू आर जस्ट ट्रेडिंग। तो ये सब चीज़ें लर्निंग्स का पार्ट है, लेकिन आप इसको अपने तरीके से पेपर ट्रेडिंग करिए, एक बार इस चीज़ को देखिए कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर कल एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए स्पेशली मैं आपको बताऊं, तो मैंने एक टाइम आपको दिया कि 9:25:30 से लेकर 9:55 तक आपको अगर ट्रेड मिलता है तो ही आप ट्रेड करिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको लगता है तो एक बार आप 11:45 से लेकर के 12:30 या 12:45 तक, उस समय पर अगर आपको ट्रेड मिलता है तो भी आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया लगभग 12:30, ठीक है, एक बार अगर आपको ये ट्रेड मिलता है तो आप देख लीजिएगा। और एक बार जैसे आप रिस्की ट्रेडर्स हैं और आपको सिर्फ पेनी में काम करना आता है, कि जैसे मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा जीरो टू हीरो लाइक आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको ट्रेड करना है तो लगभग 2:10 से आप अपनी ट्रेड को बना सकते हैं। 2:10 से आपको लास्ट वाले फ्रेम में ट्रेड करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। वैसे अगर आप 2 महीने का इतिहास उठा के देखेंगे तो इसमें जो है एक्सपायरी में बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन कल की एक्सपायरी में ये बहुत अच्छा ट्रेड करने वाली है, जो एनालिसिस मेरा कह रहा है, क्योंकि इसने मंडे को भी इस तरीके से परफॉर्म अंडर परफॉर्मेंस किया, ट्यूसडे जहां पर ये अच्छी परफॉर्मेंस करती है वहां पर इसने अपने आप को अंडर परफॉर्मेंस रखा। तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो बहुत समय बाद जीरो टू हीरो का बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग करिएगा, लाइव ट्रेडिंग में अपने आप को एक्सपीरियंस कीजिएगा, पेपर ट्रेडिंग करिएगा, रिस्क के साथ चलना सही नहीं है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अपना खुद का रखिएगा। चलिए इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बाद हम लोग निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि भाई निफ्टी क्या करने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं माय डियर। चलिए यहाँ पे हम लोग आज अब बैंक निफ्टी के बाद थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आज आपने अगर देखा होगा ना, अगर आपने ट्यूसडे के लिए आपने ट्रेड देखा होगा तो ट्यूसडे में आपने देखा होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एक ही साथ लगभग ट्रेड किया है, ठीक है। जैसे देखिए 16 तारीख के लिए सेम, और उसके बाद इन्होंने भी आप देखिए 22,030 से इसने भी आपको एक अच्छा यहाँ तक का मोमेंटम दिया। फिर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक साइडवेज रह गई, फिर मार्केट सेम उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में आपको यहाँ से यहाँ तक दिखी, फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज रह गई, ठीक है। तो सेम ऐसा ही आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी ने भी सेम ऐसा ही काम किया था। सुबह सुबह उसने आपको एक ट्रेड दिया, फिर साइडवेज रह गई, फिर सेकंड हाफ में उसने अपने आप को डाउन ट्रेंड लगाया, फिर उसके बाद साइडवेज रह गई, ठीक है। सेम इसी चीज को यहां पर भी आप देख लीजिए, इसमें आप कैसे बनाएंगे अपने आप को। देखिए पहले तो भाई ये जो 22,000 है ना, 22,010 से लेकर 22,020 ये बैंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप ट्रेड करिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप वॉच करिए, लेकिन 22,050 को जैसे ही वो क्रॉस करती है, ये टर्म्स मैं बता चुका हूं, 15 मिनट की कैंडल्स पर देखा करिए, ठीक है। आरएसआई मजबूत देखा करिए, लगभग आरएसआई 50 से प्लस में 55 हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तब आप अपने आप को देखिएगा। थोड़ा सा कैंडल्स भी देख लीजिएगा कि वो आपको एक तरीके का मोमेंटम देने को तैयार है। 22:50 जैसे ही 22:50 आपको हिट करता है तो सीधा आप ये मान के चलिए कि आपको 22,100, ठीक है, फिर 22,250, ठीक है, इज इट फाइन। यहां तक आप लोग इस तरीके से ट्रेल करते चलेगा, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसने भी अपने आप को अंडर परफॉर्मेंस रखा है। ये कल निर्धारित करेगा कि ये परसों के लिए क्या करने वाला है, ठीक है। जहां तक ये अपने आप को साइडवेज करके चलने वाला है, क्यों, क्योंकि कल जो है ना, आज इसने दोनों ने तालमेल क्यों बनाया, देखो रिसर्च ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया, लेवल्स मिल गया तो भैया पैसा आपका है, नुकसान टोटल आपका ही है ना।
मैं हमेशा कहता हूं लर्निंग्स पर अपने आप को ज्यादा फोकस करें, फिर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण पे मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ कि मैंने आपको लेवल्स तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे आप साइकोलॉजी देखिए कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने दोनों ने एक सेम तरीके का चार्ट बनाया है ना। इसका मतलब है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है ना, इसकी एक्सपायरी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कल ये दोनों आपसी तालमेल नहीं बनाएंगे। बैंक निफ्टी अगर 2 महीने प्रीवियस का चार्ट देखा जाए तो वह आपके जो अंतिम दिन की एक्सपायरी है वहां पर बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं कर रही है, मतलब पूरी तरह से टाइट है मार्केट, पूरी तरीके से जीरो टू हीरो में इंटरेस्टेड है ही नहीं। लेकिन कल की सिनेरियो कुछ ऐसा बन इसलिए रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी ने दिन दिन से अंडर परफॉर्मेंस रखी है, इसलिए कल के चांसेस हैं कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड में आपको जीरो टू हीरो देखे। अच्छा, लेकिन इन दोनों के बीच आपको चार डिफरेंसेस भी देखने को मिल सकता है, इज इट फाइन। अगर चार डिफरेंस होता है तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी पे डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि निफ्टी की कंपनियां जितना अच्छा परफॉर्म करती हैं तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी इम्पैक्ट आता है। तो इसका मतलब कि अगर बैंक निफ्टी कल अच्छा काम करने के लिए तैयार होगी तो निफ्टी 50 भी तैयार ही होगी, तो निफ्टी 50 भी अच्छा करने के लिए मजबूर होगी, ठीक है। तो इसलिए कल के लिए पॉजिटिव मोमेंटम तो पूरी तरह से देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, अभी आप लोग एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के ओआई चार्ट्स भी पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ से बताता हूँ कि अगर मार्केट नीचे की ओर आपको देखने को मिल रही है तो 22,100 से जब वो नीचे जा रही है तो 21,950 पर है, फिर अगर उससे नीचे के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 21,700 पर है, ठीक है, सॉरी 750 पर है, और इसमें बैंड है 750 से 80 तक, ठीक है, 750 से 780। अगर नीचे हुए नीचे गिर रही है तो जैसे ही वो 800 क्रॉस करते हुए 780 आए तो आप अपना डिसीजन मेकिंग बना लीजिए कि आपको वहां पर या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना है या तो वन टाइम फाइनल, ठीक है। और अगर यहां से टूटती है तो 21,590 और 21,550 बैंड है, 21,550, ठीक है। तो ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसके लिए, और फिर दूसरे नंबर पे आपके पास 22,050, 22,100, 22,250, और अगर इसके ऊपर निकलती है तो 22,500, ठीक है। इस तरीके का आप देख लीजिए, यहां पर मैंने आपको इसके लिए भी बता दिया। आप साइड देखिए तो 15 मिनट की सॉलिड कैंडल हो जो कि आपको बता रही हो कि वो ब्रेकअप के लिए तैयार है। साथ ही साथ आरएसआई को देख लीजिएगा, आरएसआई 58 से 67 के बीच में मजबूत होनी चाहिए, 60 पर डिसीजन ले लीजिएगा, ठीक है, 60 पर डिसीजन ले लीजिएगा। बट डिसीजन आपका अपना व्यक्तिगत है, मैं इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी राय नहीं देता हूँ। लर्निंग्स की राय 200% देता हूँ, सीखने की राय 200% देता हूँ। कल के लिए आप लोगों का ट्रेड अच्छा हो इस शुभकामनाओं के साथ, मैं आशुतोष अस्थाना, आप अपने पैसे का ख्याल रखें, अपने ख्याल का भी ख्याल रखें, इस उम्मीद के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ साइनिंग आउट।